तीर्थ और लोक कल्याण। तीर्थ अथवा क्षेत्र का अर्थ होता है पवित्र स्थान, जहां मनुष्य को सद्बोध द्वारा उद्धार मार्ग बताया जाता हो। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा के विकास का विचार जहां किया जाता हो वही है क्षेत्र। इस व्याख्या के अनुसार ध्यान, प्रार्थना आदि मानव विकास तथा सेवा के कार्यक्रम जहां सदैव चलते हैं वही क्षेत्र है। इस प्रकार हर गांव तीर्थ बन सकता है, हर मकान क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जिस कुटुंब में आत्म विकास का प्रयत्न चल रहा हो वो तीर्थ है, और जहां कुटुंबी जनों में झगड़े चल रहे हों वो राक्षसों का अड्डा है। ये राक्षसी वृत्ति आजकल बड़े बड़े तीर्थों में भी घुस बैठी है। इसलिए हमको सदैव ये याद रखना चाहिए कि जो मनुष्य को पावन करे वही तीर्थ है। तीर्थ क्षेत्र के पावन दृश्य की याद दिलाते हुए उसका महत्व गांव वालों को समझाना और उन्हें अपने गांव में ही तीर्थ की आदर्श पवित्रता लाने को प्रवृत्त करना, यही तीर्थ पूजा का महत्व मानना चाहिए। ईश्वर सभी जगह एक समान है, इसलिए हमें अपना हृदय भी सबके लिए समान बनाना चाहिए। ऐसे सात्विक विचार, ऐसी सद्भावना, यही समस्त तीर्थों से बढ़कर पावन तीर्थ है। इस भावना के बिना बड़े बड़े तीर्थों में जाकर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। अखंड ज्योति, नवंबर 1958, पृष्ठ 10। देख अगर ये अच्छा एकदम इसी प्रकार तो वहाँ जंतर मंत्र में भी होता है, लेकिन वहाँ लिखा जी रंग नहा ज्योतिष शास्त्र